यहाँ बैठे हैं ना सिविल वाले जितने भी सब मिली भगत है, और जो सीसीटीवी कैमरा लगा था ना उसको भी निकाल के कर दिए हम तो कहीं रख दिए हैं। तो इसका मतलब क्या समझे हम मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब तो कुछ हो रहा है ऊपर नीचे से किसी भी चीज का ठेका होगा, एक व्यक्ति नंदू पटेल करेगा यहाँ हर काम को, नंदू पटेल करेगा वही करेगा, वो डेम भी उसी का है। बाकी इधर जो बाकी काम जो लड़के काम कर रहे हैं ना उसको निकलवा के बाहर से लेके आता है लड़के बैठाता है, बाहर से लेके आया लड़का बैठाया है उसको लड़का बोलो बाहर मिलता मैडम अभी बैठने क्या फर्जी जो यहाँ से राकड़ निकलता है तो पच्चीस बनता है यहाँ से उसके आधार में पेमेंट होता है। आपका एक गाड़ी जा रहा है तो वहाँ पर दो गाड़ी तीन गाड़ी पर्ची कट जा रहा है, गाड़ी नहीं आता है पर्ची काट देते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना शिकायत भी करते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं करते, और उसको सबूत के लिए ना कैमरा लगवाए थे उसको भी निकाल के ऊपर कहीं भी झोला नहीं। अभी कौन बात करने आया था आपको फोर्स पूछ, आज जो फोर्स आए ना ये खाली हम लोग हड़ताल शांतिपूर्ण बैठे हैं ना इसके लिए आए हैं, जब हम बताते हैं कि चोरी हो रहा है फर्जी हो रहा है तो कोई अधिकारी नहीं आता है इतना नहीं आते नहीं। मुन्ना युवराज सिंह कुर्रे, मैं ग्राम गोड़ी के निवासी हूँ। आज हमन सब कोई राखा डैम ग्राम गोड़ी में हड़ताल करे लाए हन, काबकि हमन 12 सूत्र का मांग कर रहे हैं, वो मांग ला हमन के आज तक पूरा कर ही नहीं है। 3 साल हो गए कोई कहा सुने नहीं है, अधिकारी मन आते सुनते चल देते, आज करबो कल करबो कर के मुँह पर कहते तब फिर चल देते, आज तक हमन के मांग पूरा नहीं हुई सी। यहाँ जितका भी 12वीं पास हन कॉलेज कर जा रहे हैं सब टूरा मन यहाँ बेरोजगार घूमत हन, कोई ले 10 रुपये के एकरा काम बूता कछु नहीं मिलत है। आते बाहरी आदमी काम लेते यहाँ काम करते हमन ला एक बंद जगह के तक नौकरी के तक वो देवे नहीं करते काम बूता हमन ला, वो खातिर हमन आज यहाँ हड़ताल करते हैं राखा डैम में। कब से बैठे हो आप? अब हमन ला 7-8 दिन हो गए। क्या मांग? रोजगार की मांग है आप? रोजगार की मांगे हैं और क्या बोलते हैं 12 सूत्र की मांग थी स्वास्थ्य के संबंधी। कौन कौन से गांव के लड़के हैं यहाँ? गोढ़ी, बेंदर कोना, पंडरी पानी। अब जितने पढ़े लिखे हैं मैडम उस हिसाब से रोजगार दिया जाए योग्यता अनुसार। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति आप लोग की? भूख हड़ताल ऐसी करेंगे मैडम।